बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल कलसा जोश पे। एक नई सुबह और नए दिन के आगाज़ के साथ आज की वीडियो हम करते हैं जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सरगोधा शहर में हैं। सरगोधा शहर वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से बहुत जन मशहूर है, लेकिन मैंने सुना है आजकल यहाँ पर ना माल्टे जो है ना उसका सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सरगोधा शहर में आए हैं, माल्टे के बाग ना देखें, माल्टे ना खाएँ, किन्नू ना खाएँ, ये हो नहीं सकता। खबर मिली है जी साइड पर ना पालतू का जो बाग बागात है ना वो ज़्यादा है, तो हमारी कोशिश है कि आज उनका विजिट किया जाए। सुबह के बज रहे हैं 7, तो हम भी जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं, हम भी रेडी हैं, चलें जी लेट्स गो। इस चौक के ऊपर ये देखें जी, सरगोधा वालों ने तो माल्टा जो है वो बना के लगा दिया हुआ, ये देखें वाह, सूरज जो है ना वो सही अपनी आंखें खोल रहा है जनाब, कह रहा मैं आ चुका हूँ जनाब। अजमत भाई रुक गए हैं क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, तो यहाँ से कोई प्रोग्राम है नाश्ते वास्ते का। हाँ जी सर, चाय पीनी है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल गेहूँ वाली फीलिंग। साइडों के ऊपर जनाब गन्ने की फसल है, और गन्ने की फसल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मकदार में वो काश्त की जाती है। इस साइड पे ये बेलना चल रहा है, गुड़ बनाया जा रहा है, रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, गेहूँ भी खूबसूरत हैं माशाल्लाह। माल्टे के बाग जो है वो भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। यहाँ पे जो पानी का निज़ाम है ना वो नहरी है, ये नहर जा रही है जी साथ साथ, लोगों का रकबा जो है ना यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, नहरी निज़ाम है पानी का। हम लोग वो बाग देख रहे हैं कि जहाँ पे लोग जो है ना वो माल्टे तोड़ रहे होंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको भी दिखाएं, हम भी देखें और खाएं भी। तो बस चल रहे हैं साथ साथ, तो अभी समय ले के हम लोग सरगोधा के गाँव वाली साइडें जो है ना वहाँ पर आ चुकी हैं। ये जी एक बहुत ही खूबसूरत डेरा है, इसने हमें रुकने पे मजबूर कर दिया माशाल्लाह। अक्सर हम लोग पहाड़ी इलाकों में देखते हैं दरिया के साथ साथ रोड होता है, लेकिन मैदानी इलाका जो कि सरगोधा है और भी इलाकों में है, तो माशाल्लाह ये जो है ना खूबसूरती में इजाफा कर दिया इसने। हम लोग पहुंच चुके हैं जी माल्टे का जो बाग है ना उधर, ओहो दूर दूर तक ये गंदम माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, और माल्टे जो है ना वो भी लगे हुए हैं सही दबा के। हम लोग ढूंढने में हो गए हैं कामयाब, वो आगे एक ट्रेला खड़ा है वहाँ पे माल्टे जो है ना वो तोड़ के लोड किए जा रहे हैं, आपको अभी दिखाते हैं वो सामने। इनसे अभी हम लोग भी करेंगे गपशप, और ये देखें जी ये जो रैक है ना इनमें डाले हुए हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक ठाक हो? माशाल्लाह जी भाईजान लगे हुए हैं, रैक जो है ना उनमें माल्टे भर रहे हैं, रैक जो है ना भर भर के ये जा रहे हैं जी ऊपर, ये उस साइड पे वो तोड़ रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे भी हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, नन्हे मुन्ने भाई जो है ना वो काम पे लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे हो, ठीक हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हैं जी कटर, काम 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 और काम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुंशी साहब, ठीक हो? सुनाओ, कम लगे हैं बंदे? जी लगे हैं बंदे सारे माशाल्लाह, एक कटाई तो लगे हैं 14 बंदे, वाह जी। कटर की स्पीड आप चेक करें, जल्दी जाओ। बहुत शुक्रिया मुकल्लम भाई, मैंने कहा आपने बाग दिखा दिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? पहुंच गए,
धड़ाधड़ जो है ना वो तोड़े जा रहे हैं माल्टे किन्नू। ये पता लगा सरगोधा क्यों फेमस है? चल गया। हाँ जी माशा नहीं अभी नहीं खाया मैंने। आपको कैसे पता चला कितना फेमस है? अभी खाओ फिर पता चलेगा। नहीं वो हम लोग इकट्ठे खाएंगे ना, मैं आपका वेट कर रहा था, पीछे रह गए थे। ऐसे मैं खा चुका हूँ, बताया खा लिया। ओ यार ज्यादती, मैं वेट कर रहा था खाएंगे उतार के ना अपने हाथ से फिर खाएंगे इंशाल्लाह। मैंने यकीन कर लिया भाई के हाथ में, उन्होंने अपने हाथ से तोड़ा हुआ अमरूद। अमरूद नहीं किन्नू, अमरूद खा के ना अपने बाग के, तब अमरूद ही दिमाग में चले। अमरूद यार किन्नू के बाग में हम घूम रहे हैं। पहले तो मुझे ये अपने आप को समझाना होगा, उसके बाद बताएंगे बाकी यहाँ की चीजें इंशाल्लाह। हाँ जी, ये भाई जो है वो सीढ़ी लगा के उतार रहे हैं, तो अलहदा अलहदा दरख्तों के ऊपर लगे हुए हैं। कुछ जो है वो उठा के उस गाड़ी में लेके जा रहे हैं, ट्रेले में लेके जा रहे हैं। हर बंदा जो है ना अपने हिसाब से माल्टे जो है ना वो उतारने में मसरूफ है, और कटर का जो काम है ना वो बहुत ज्यादा है इधर। ये देखें, और इसकी पहचान ये है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, ये किस तरह लाल हुआ है, ये पका हुआ है, जो कच्चा है ना ये देखें, ये अभी थोड़ा थोड़ा सब्ज़ है, ग्रीन है, तो इसको नहीं तोड़ना। जैसे ये एक ही पौधे के ऊपर लगे हुए हैं, तो भाई जो है ना वो सही पहचान के साथ, इनको आइडिया हो गया इनका काम है ये चीज़। ये जी अभी मैंने कटर पकड़ लिया है, काट के देखते हैं। बिस्मिल्लाह जी बरकत, ये सही काट रहा हूँ। फेल कर दो इसको यार, कौन नहीं सही काटा। इधर इधर सरगोधा शहर जो है माशाल्लाह माशाल्लाह माल्टे की वजह से पूरी दुनिया में जो है ना मशहूर है। तो आजकल माशाल्लाह सीजन चल रहा है, तो हम लोग भी आ गए और अपनी अपने हाथ की मदद से काट रहे हैं। यार क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी हाथ से काटते हो ना? ये नया लड़का जो है हाथ से काट रहे हैं। फ्रेश जो है ना वो उतार रहे हैं। अच्छा अच्छा, कटर से हाथ से भी उतर जाता है। नहीं नहीं हाथ से नहीं उतारना, ये देखें वो खराब हो जाता है। नहीं कुछ भी नहीं होता यार, वो ऊपर से उतर जाती है ना, खराब होता है। अच्छा हाँ। और ये जो टक टक की आवाजें आ रही है ना, हाँ जी, ये लगे हुए हैं भाई और कटर चल रहा है जनाब, दड़ा दड़ ऐसे ऐसे। क्या ये सूरत हाल है, ये मैंने उतार लिया। ये तो सब्ज है यार, ये वाला, ये यहाँ से देखो ये सब्ज सब्ज है। किधर है? नहीं ये सब्ज सब्ज यार, गलत काट लिया आपने। थोड़ा बहुत चल जाता है ऐसे भाई, ऐसे ही है। ये देखें जी माशाल्लाह, इतने ज्यादा तोड़ लिए हैं मुकल्लफ ने। अभी मैंने एक खाना है, तो ये भाई सही पका है जो खुद खाऊं मैं। यहाँ पे तो मुझे मौका मिलना चाहिए ना सही पका हुआ देख के। वो सही उस पौधे पे सही पका हुआ है। किधर है ये वाले इस पौधे पे? उस पे तो कहीं भी नहीं यार। ये उतारते हैं एक गन्नों के खेत में आके, जैसे गन्ना पसंद नहीं आता ना, इतने सारे किन्नुओं के नीचे आके यहाँ पे मुकल्लब भाई को एक किन्नू पसंद नहीं आ रहा यार, क्या बात है क्या। ये यार ये पसंद आ रहा है, ये ले भाई साहब जो आपको पसंद आया ना, ये खट्टा होना है ना, खट्टा है ना ये वाला? नहीं यार खट्टा है, ओए क्या दे खट्टा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने हाथ की मदद से उतारा है और अपने हाथ की मदद से इसको छील के खाएंगे। और ये जो फीलिंग है ना, इस फीलिंग के लिए मैं आया हूँ, सही बात है, ताजा फ्रेश। क्या बात, इस तरह। अच्छा क्या बात है यार, मजा इसी में। मैंने तो ये इस तरह किया है, ये तरीका सही है। वाह जी वाह, हम लोग वैसे वहाँ वो आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे कैमरा मैन जो है इस वक्त अजमत भाई हैं, तो पहले मैं उनको दूंगा। आप अपने हाथों से खिलाएं। हाय हाय हाय, मैंने पहले नहीं खाया, पहले आपको खिलाऊं। हाँ जी मजेदार है, सही पहचाना। मतलब मैं सही पहचाना, मैं मतलब कि सही जो है ना वो काट रहे हैं। आप मतलब यहाँ पे मजदूरी कर सकते हैं? तो भाई कितनी तनख्वाह देंगे यार हमारे इस मजदूर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाय हाय सही बात है, मजेदार है, क्या बात माशाल्लाह। तो मेहनत बहुत ज्यादा है, बाई करोड़ भाई, करोड़ भाई ने कहा तकरीबन इतने का लिया हुआ है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं 9 से 10 मरबे जो है ना ये बाग है, तो एक ही बंदा जो है उसने ले लिया। ये सीन है जनाब, तो इस तरीके से मार्केट में जो है वह माल्टा पहुंचता है बड़ी मेहनत के साथ।
लो जी बिस्मिल्लाह की बरकत। लाला जी हाँ जी लाला जी गुड गुड गुड। बहुत मेहनती भाई हैं जी हमारे, तो किसान भाई जो होते हैं ना उनकी बहुत सारी मेहनत होती है। कोई भी फसल हो फ्रूट हो वो अब तक मार्केट में जब पहुंचते हैं ना तो ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों की कितनी मेहनत होती है। भाई लोग जो है ना सुबह के काट रहे थे, अभी टाइम जो है ना 12 बज गए, खाने का टाइम हो गया, अभी सारे भाई आएंगे खाना खाएंगे और अभी हम लोग जा के देखते हैं ट्रैले में कितने जो वो माल्टे हैं ना वो हो चुके हैं, कितने यानी कि ये जो भाई लेके आ रहे हैं रैक इन्होंने कर लिए हैं। वो जो उधर से आ रहे हैं वो पहले यहाँ पे रखे जाते हैं, यहाँ पे दो से तीन भाई जो हैं उनका साइज़ जो है ना वो अलहदा करते हैं छोटे बड़े, उसके बाद यहाँ पे एक तरतीब लगा के फिर जो है ना ये आगे ये जो ट्रैला है इसमें लोड किए जा रहे हैं। अभी आधा भी नहीं हुआ ट्रैला, मतलब जहाँ जहाँ तक इसका स्टैंड है ना यहाँ तक इसको भरना, ये देखें माशाल्लाह अभी आधा ट्रैला जो है ना वो भी नहीं हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ काफ़ी मेहनत तलब काम है और 2 बजे तक का बताया था भाई ने कि शायद ले जाएंगे, मगर मुझे लग रहा है 2 बजे तक ये होगा क्योंकि पीछे से जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, एक एक किलो पकड़ के उसको तोड़ के और फिर। यस ले जी हमारा जो वापसी का सफ़र है वो हो गया शुरू, यानी कि बाग हमने देख लिए कि ये भाई जो है इनका ट्रैला जो है ना बढ़ते बढ़ते काफ़ी टाइम हो जाना है, तो फिलहाल हम लोग आपको करवाते हैं फैक्ट्री की सैर। अभी हम लोग ने बाग की जो है वो सैर कर ली है, तो आइए चलते हैं चले देखते हैं इंशाल्लाह फैक्ट्री जहाँ पे पैकिंग वैकिंग होती है। हाँ जी अस्सलामु अलैकुम भाई जान, क्या हाल है ठीक हो? ये देखें जी शाम हो गई है माशाल्लाह से जी, जो भी गाड़ियाँ खेतों में गए थे ट्रैले खेतों में गए थे वो भर के आ गए हैं। अभी ये जो रैक है ना ये शेल भाई लोग उतार रहे हैं नीचे और यहाँ से होते हुए ये देखें जी माशाल्लाह 1, 2, 3, 4 ट्रालियाँ और ये रैक इस तरह उठा के ना ये जा रहा है अंदर, जो बाहर से आ रहे हैं ना शेल वो कुछ इधर रख रहे हैं भाई साहब, कुछ इसमें फेंक रहे हैं ये देखें और यहाँ से आगे वाह जी वाह माशाल्लाह यहाँ से ये आगे आ रहा है और आगे यहाँ पे ना पानी का सिस्टम किया हुआ है, फुहारा सिस्टम। ये जी माशाल्लाह इधर माल्टा जो है उसकी सफाई हो रही है, यानी कि माल्टा को धोया जा रहा है ये देखिए, और यहाँ से साफ होते 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 ये फैन लगाए हुए हैं ऊपर दो, माल्टे को किया जा रहा है खुश्क, जब खुश्क हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ से आ रहा है नीचे ये, यहाँ से फिर जा रहा है आगे। ओहो मैंने पहली दफा देखा यहाँ से, फिर ये जो चिल्लर टैप है ना इसके अंदर चला गया, ये कोई मशीनी सिस्टम लगा हुआ ये देखें, मतलब वहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से धुलाई हो के साफ हो के इसके अंदर से होता हुआ यहाँ से आ रहा है। वाह जी वाह, यहाँ पे जब आता है ना तो ये भाई आगे खड़े हैं देख रहे हैं कोई उस तरह का हो उससे निकाल देते हैं। इसके बाद ये आगे क्या सीन है भाई, इसके बाद ये आगे हाँ यहाँ पे ना इसका पानी जो है ना अच्छे तरीके से खुश्क हो रहा है आगे। वाह ये सीन है, ये चल रहा है यहाँ से फिर आगे, ये बहुत बड़ा चिलर है इस पे चला गया जनाब, और धड़ाधड़ मशीन जो है ना वो चल रही है फैक्ट्री में, काम जो है ना वो हो रहा है। यहाँ से फिर जब यहाँ पे आता है ना यहाँ पे फिर ये जो है ना लाइनों में इसके अंदर जा रहा है ये देख 1, 2 ये यानी कि जब तक माल्टा यहाँ पे पहुँचता है ना तब तक इसकी सही सफाई जो है ना हो जाती है, जब तक यहाँ पे पहुँचता है फिर आके ये लाइनों में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 लाइनें हैं, वहाँ से ना हर लाइन में हिसाब से जो है ना वो माल्टा यहाँ से गिरता है और यहाँ से फिर इधर आ रहा है ये देख उधर से, आधे जो है ना उस साइड को जा रहे हैं आधे जो आ रहे हैं वो इस साइड को आ रहे हैं और आगे ये जनाब यहाँ पे भाई जान बैठे हुए हैं माशाल्लाह शाबाश 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 शाबाश।
यहाँ पे फिर हो रही है इसकी पैकिंग इसके साइज के हिसाब से। माशाल्लाह वाह, यहाँ तक जब पहुँचता नहीं इसकी सही सफाई शाइनिंग इसका साइज हो चुका होता है। कुछ जो है ना ये जो गत्ता है ना गत्ता इसकी बने हुए हैं शैल ना कुछ इसमें पैक हो रहे हैं गत्ते में। कुछ जो है ना वो ये जो लकड़ी की पेटियां बनाते हैं ना ये फटियां लगा के इसमें भी पैक हो रही हैं। तो वहाँ से वो मशीन सारा प्रोसेस करती है आगे जो है ना ये भाई बैठे हुए हैं अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं माशाल्लाह। वाह, और सुधा दियो ठीक हो जिंदाबाद। ये धड़ाधड़ अब पैकिंग जो है ना वो शुरू है। यहाँ पे आगे इसका साइज हो रहा है यहाँ से फिर आधे इधर को यहाँ पे धड़ाधड़ पैकिंग शुरू है। ये देखेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ जैसे कि ये पैकिंग हुई है ना ये देखें अभी ये लेके जा रहे हैं ये देखें ये भी ये पेटियां मतलब ये इधर सारे लकड़ी की पेटियां हैं वो जो है ना वो गत्ता जो है ना उसकी पेटियां हैं। तो जिस हिसाब से माल चाहिए ना उस हिसाब से यहाँ पे होती है पैकिंग। फैक्ट्री में कुछ ये सीन है क्योंकि आजकल माल्टे का सीज़न चल रहा है। सरगोधा माशाल्लाह जो है ना माल्टे के नाम से तो मशहूर है ही है दूसरे नंबर पे। मुझे भी अभी पता चला है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का तकरीबन 12वां या 13वां जो है ना वो बड़ा शहर है। तो वाकई बहुत बहुत बड़े यहाँ पर ना बाग हैं जो है ना माल्टे के। फैक्ट्रियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं मतलब इस एरिया में ना जिनके अपने बाग हैं उनकी फैक्ट्रियाँ भी हैं। तो माशाल्लाह ये देखें जी लेबर लगी हुई है काम धड़ाधड़ स्टार्ट हो रहा है। सीन ये था कि पहले दिन को ना लेबर यहाँ से जाती है वो सारे तोड़ के लेके आती हैं गाड़ियों के ऊपर। फिर शाम को ये जो लेबर है ये शाम वाली लेबर है यानी कि अंदर वाली फैक्ट्री वाली पैकिंग वाली। तो हर बंदे ने अपना अपना काम जो है समझा हुआ है और जो पैक हो गया ना जो ऑर्डर आ चुका है उसको माशाल्लाह अभी ये देखें भाई कर रहे हैं लोड जिंदाबाद। काफ़ी बड़ से बड़ा ट्रक है माशाल्लाह। ये जो माल्टे हैं इनका प्रोसेस पसंद आया होगा इनको कैसे कैसे तोड़ के लाया जाता है फिर मार्केट में कैसे पहुंचता है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग रूम में पहुंच चुके हैं घूम के हमने भी विज़िट किया आपको भी हम लोगों ने विज़िट कराया। तो इस तरीके से माल्टे जो हैं उनका सारा सीन जो है ना किया जाता है इन दोनों खासकर। माशाल्लाह फैक्ट्रियाँ भी काफ़ी हैं लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सरगोधे को हम लोगों ने माशाल्लाह जैसे नाम सुना था वैसे ही पाया माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। तो इस तरीके से सारा जो है ना आप तक बेशक आप बाहर हैं अब बाहर हैं पाकिस्तान का जब भी माल्टा आता है तो आप ये सोचिए आप यही समझें कि सरगोधे से आ रहा है इस प्रोसेस से होके आप तक पहुंच रहा है। माशाल्लाह जो सरगोधा से हैं वो तो जानते ही होंगे ये सारा सीन माल्टे वाला। जो बाहर के हैं जो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।